वन भाई जा रहे हैं, देखिए किस तरह से हमसे मिलके जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है माल लोड, और यहाँ से भी अपना नज़ारे देखने चाहें तो देख सकते हैं। और ये वाली रोड जो आप लोगों को पता है बड़े बाजार की है, और यहाँ से ही पूरा मार कर रहे हैं और झूला झूल रहे हैं, और काफ़ी एक्टिविटी है यहाँ पे जो बच्चे खूब इंजॉय कर सकते हैं। पर इसके जाने के लिए आपको अंदर से जाना पड़ेगा वहाँ पे, और यहाँ के साथ अपने झूला भी झूल सकते हैं, बच्चों के साथ अपने आराम से बैठ भी सकते हैं, कुछ खाना है तो खा भी सकते हैं। अगर जैसे आप कुछ खा रहे हैं, और आप आपको सारी दुकानें लगे मिलेंगी जहाँ पे सस्ता बाज़ार लगता है लुंडा, एक से एक बढ़िया आपको वूलन वहाँ पे मिलेगा, स्वेटर जैकेट स्कार्फ और अपना स्टॉल, मतलब हर वैरायटियाँ मिलेगी। खाने पीने की चीज़ें भी मिलती हैं, जैसे भेलपुरी गोलगप्पे और अपना मतलब ये मतलब चाट भी आप कुछ भी खा सकते हैं। और कितनी बड़ी बड़ी मछली हैं, तो बीच में तो काफ़ी बड़ी बड़ी मछली आ गई थी, कम से कम मान के चलिएगा 50 किलो तक की मछली आ गई थी यहाँ पे बीच में किनारे पे। पर वो ज़्यादातर जो बड़ी मछली हैं वो बीच में ही रहती हैं, पर अचानक से एकदम यहाँ बाहर आ गई थी और बोटों में घूम रही थी, ये सोचिएगा यहाँ से कूदी ना तो बोट में आ गई तुरंत वो। और इसी के साथ देखिए, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों आज मैं सुबह ही ब्लॉग की किस मारे बना रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं आज जो है भीमताल साताल जाऊँगा अपने टूरिस्टों को लेके, तो उनके साथ भी आज ब्लॉगिंग करनी है। तो मैंने कहा पहले नैनीताल का ब्लॉग बना देते हैं, और आज हमारा नैनीताल का बर्थडे है, तो पर बर्थडे की मेरी वीडियो नहीं बना पाऊँगा क्योंकि मैं जा रहा हूँ घुमाने टूरिस्ट को, तो पर मैं सोचूंगा किसी से वीडियो मिल जाए मांग के देखूंगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं सुबह मॉर्निंग में हमारा नैनीताल कितना खूबसूरत लगता है। और अभी बज रहे हैं हमारे 11, और 11 बजे के टाइम कितना प्यारा हमारा नैनीताल लग रहा है सुबह मॉर्निंग में, तो हम आपको दिखाते हैं और कितना प्यारा जो नज़ारा। तो इसी नज़ारे को देखने के लिए आप लोग आते हैं हमारे नैनीताल घूमने के लिए, तो चलिए चलते हैं और आपको हम दिखाते हैं कुछ नैनीताल की खास व्यू, नैनीताल की लेक। और देखिए काफ़ी खूबसूरत है, इसी लेक को देखने के लिए कहां कहां से लोग बार आते हैं, आउट ऑफ इंडिया से भी आते हैं और इस बोट में भी बैठते हैं। तो देखिए काफ़ी लोग जो है सुबह सुबह घूम के भी आ रहे हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। तो अभी देखिएगा 11:30 का टाइम है और इतना बढ़िया व्यू देखने को मिल रहा है, पर दोपहर को मिले ना मिले ये तो हमें कंफर्म पता नहीं है। तो हम आपको दिखाते हैं नैनीताल की शान जो है, हमारी मछलियाँ देखिए नैनीताल लेक में घूमती हैं और लोग बार उन्हें चारा डालते हैं तो किस तरह से इकट्ठी हो जाती हैं, और इन्हें पर पकड़ना जो है ना अलाउड नहीं है, 500 का चलान है। अगर आपने किसी ने भी मछली पकड़ने की कोशिश करी तो, और किसी ने कर्मचारी ने देख लिया तो आपको 100% 500 का चलान पड़ेगा, 500 से 5000 तक का चलान पड़ सकता है। तो उससे पहले हम आपको मछलियाँ दिखा देते हैं, ये देखिए, और कितनी बड़ी बड़ी मछली हैं, तो बीच में तो काफ़ी बड़ी बड़ी मछली आ गई थी, कम से कम मान के चलिएगा 50 किलो तक की मछली आ गई थी यहाँ पे बीच में किनारे पे। पर वो ज़्यादातर जो बड़ी मछली हैं वो बीच में ही रहती हैं, पर अचानक से एकदम यहाँ बाहर आ गई थी और बोटों में घूम रही थी, ये सोचिएगा यहाँ से कूदी ना तो बोट में आ गई तुरंत वो। और इसी के साथ देखिएगा, तो हम आपको दिखा रहे हैं नैनीताल कितना खूबसूरत लगता है सुबह सुबह 11:30 बजे के टाइम। तो अभी जो है मॉर्निंग ही हो रही है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको सुबह ही के नैनीताल में देखिए कि सुबह का नज़ारा कितना खूबसूरत देखने को मिलता है, ये देखिए। तो अभी खास भीड़ भी नहीं है क्योंकि भीड़ का टाइम आप लोगों को पता है 11-12 बजे के बाद ही टूरिस्ट निकलते हैं अपने होटलों से, पर आज जो है कल से बहुत कम टूरिस्ट मिलेगा क्योंकि कल इतना टूरिस्ट था। तो मैंने कल का ब्लॉग तो नीचे का नहीं बनाया था, ब्लॉग जो मैंने ऊपर का दिखाया था आप लोगों को कि ऊपर कितना प्यारा नज़ारा देखने मिलता है और क्या क्या एक्टिविटी होती है वो भी मैंने आपको दिखाया था, तो मैंने इससे पहले वाला ब्लॉग जो है वही डाला था। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, और बीच लेक के बीच में देखिएगा सूरज की चमक कितनी खूबसूरत लग रही है, और कितने ब्यूटीफुल नज़ारे के साथ हम आपको दिखा रहे हैं। हम आ गए हैं फुटपाथ मार्केट, जिसे बोला जाता है पंत बाज़ार। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग पल्लम पंत जी सामने हैं और उनके बराबर में मार्केट लगती है जो फुटपाथ, और वही रोड जो अपना नैना देवी मंदिर और गुरुद्वारे की तरफ को जाता है जहाँ पे भोटिया मार्केट भी है।
और वहाँ सामने अपना पार्किंग, बड़ा पार्किंग, अपने जैसे गाड़ी पार्किंग लगाना चाहें तो पार्किंग भी लगा सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए, तो यहाँ पे शाम में जो है सारी दुकानें मिलती हैं, लेफ्ट राइट में आपको सारी दुकानें लगे मिलेंगी जहाँ पे सस्ता बाज़ार लगता है लुंडा। एक से एक बढ़िया आपको वूलन वहाँ पे मिलेगा, स्वेटर, जैकेट, स्कार्फ और अपना स्टॉल, मतलब हर वैरायटी यहाँ मिलेगी। खाने पीने की चीज़ें भी मिलती हैं जैसे भेलपुरी, गोलगप्पे और अपना मतलब ये मतलब चाट भी आप कुछ भी खा सकते हैं यहाँ पे आगे। और ये है सामने देख सकते हैं हमारा ग्राउंड, जहाँ पे देखिएगा अगले महीने से यहाँ पे क्रिकेट चालू हो जाएगा। तो अभी देख सकते हैं, तो अभी यहाँ पे पिच की तैयारी चल रही है, पिच जो है बढ़िया करके बनाया जाता है पूरा, तो हर साल इसमें रिपेयरिंग होती है पिच की। और हमारा नैनीताल का बर्थडे जो है वहाँ मनाया जाएगा बास्केट ग्राउंड में। और यहाँ से पूरा जो है नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ चारों तरफ का। तो ये देखिए, तो ये जहाँ पे अभी हम खड़े हैं तो ये है नैनीताल का ग्राउंड। तो यहाँ पे पार्किंग भी है, मानंदा देवी मंदिर भी है, ये जामा मस्जिद भी है, ये और गुरुद्वारा भी है, ये चर्च भी है, ये भोटिया मार्केट भी है, ये तिब्बत मार्केट भी है, ये और यहाँ के जो फेमस फूड्स हैं उनकी भी मार्केट यहीं है, जैसे चाट मार्केट अपना। और यहाँ से देखिएगा पूरा सामने, ये हमारा सामने नगर पालिका है और ये हमारे नैनीताल के लोग वार्ड जहाँ पे रहते हैं। तो सभी घर आप लोग देख सकते हैं यहाँ से, और यहाँ पे होती है, आप लोग देख सकते हैं, आपने देखा होगा कई बार यहाँ पे ट्रैकिंग की जाती है यहाँ पे, और काफ़ी अच्छे से ज़िपलाइनिंग भी होती है यहाँ। और ये देखिए, और उधर साइड में जाएंगे तो हमें लेक देखने के लिए मिलता है, जैसे मैंने अभी आपको लेक की वीडियो दिखाई है। तो यहाँ से आप लोग पूरा देख सकते हैं चारों तरफ का नज़ारा, और काफ़ी खूबसूरत नैनीताल हमें इस टाइम नज़र आ रहा है। तो यही नज़ारे देखने के लिए आप लोग आ सकते हैं, मौसम बहुत बढ़िया है इन दिनों में आने के लिए, कितने बेनिफिट है ना आपको। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे इस टाइम अगर आप नैनीताल घूमने आओगे ना तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, काफ़ी डिस्काउंट है। मतलब आप ये सोच के चलिएगा, अगर आप वीकेंड पर आ रहे हैं तो 1 लाख खर्च करके जा रहे हैं ना, आप पूरा घूम सकते हैं, जिसमें अपना होटल भी कर सकते हैं, 3-4 दिन की बात कर रहा हूँ, अपना टैक्सी से भी घूम सकते हैं, और नॉर्मल रूम 50,000 रुपये मैंने बहुत बता दिए दोस्त, 50,000 रुपये खर्च नहीं हो पाएंगे 3-4 दिन में, बहुत बता दिए। पर आप लोगों को मैं एक अंदाज़ा बता रहा हूँ कि अगर आपने जैसे अच्छा होटल लिया तो 3-4 दिन के मान के चलिए 15-20 हज़ार रुपये तो अच्छे होटल के ही हो जाएंगे, और अगर नॉर्मल होटल रहेंगे तो वो आपको मतलब मान के चलिएगा 2,000, 1,500, 1,200 तक में भी मतलब नॉर्मल रूम मिल जाएंगे आपको। जैसे माल रोड से थोड़ा आउटसाइड चाहिए तो आपको 1,000-1,200 तक का मिल जाए, माल रोड में रहेंगे तो आपको 1,500, 2,000, 2,500 तक का डबल बेड मिल जाएगा, 4 बेड मान के चलिएगा 2,500-3,000 रुपये तक का मिल जाएगा माल रोड पर। अगर जैसे आप ऑफ सीजन में आ रहे हैं, जैसे आज आप आएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा जो है चीप प्राइस में अपने बढ़िया होटल ले सकते हैं आप लोग। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं, थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं आपको दोस्तों, यहाँ के नैनीताल के चिल्ड्रन पार्क, और चिल्ड्रन पार्क कहाँ पे है, ये अपना है ग्राउंड के पास जहाँ पे अपना फुटपाथ मार्केट लगता है, और कैपिटल सिनेमा के पास। तो अभी कैपिटल सिनेमा में लगी है टाइगर 3 सलमान खान की मूवी, और यहाँ देखिए काफ़ी बच्चे लोग जो है इंजॉय कर रहे हैं और झूला झूल रहे हैं, और काफ़ी एक्टिविटी है यहाँ पे जो बच्चे खूब इंजॉय कर सकते हैं। पर इसके जाने के लिए आपको अंदर से जाना पड़ेगा वहाँ पे, और यहाँ के साथ अपने झूला भी झूल सकते हैं, बच्चों के साथ अपने आराम से बैठ भी सकते हैं, कुछ खाना है तो खा भी सकते हैं। अगर जैसे आप कुछ खा रहे हैं और आपके पास कूड़ा है तो उस कूड़े को जो है डस्टबिन में डालिएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग आते हैं तो यहाँ पर खाते पीते हैं और जो कूड़ा भी इसमें पार्क में ही छोड़ देते हैं, पर ये गलती आप लोग मत करिएगा। और यहाँ देख सकते हैं आप लोग ये बच्चे किस तरह के से झूल रहे हैं, ये देख, और ये सामने देखिएगा पूरा गोल घर है जहाँ पे बैंड हाउस भी बोलते हैं, इसे गोल घर भी बोलते हैं, और यहाँ पे जो बैंड बजता है सीजन में, मई जून में आप आएंगे तो यहाँ पे बैंड बजते हुए आप लोग देख सकते हैं। और इसी तरीके से अपने बच्चों को इंजॉय कराना है तो अपने चिल्ड्रन पार्क में आप लोग घुमा सकते हैं, और इस तरह का लेक का नज़ारा भी आपने देखना है और बच्चों के साथ इंजॉय भी करना है। कि जहाँ से एंट्री होती है, तो यहाँ पे देखिएगा अभी सुबह सुबह का टाइम देखिए, इतनी भीड़ नहीं है अभी दोपहर का पता नहीं। यहाँ पे तो दोस्तों एक बात बताऊँ,
यहाँ पे सोच लीजिएगा, दो मिनट में ऐसी भीड़ हो जाती है ना कि बता नहीं सकते। तो नैनीताल में हम आपको ये नहीं बता सकते शाम को भीड़ होगी नहीं होगी, क्योंकि अभी देखिए पूरा नैनीताल थोड़ा सुनसान है, मतलब थोड़ी भीड़ है और एकदम ऐसा अचानक इतनी भीड़ आ जाती है, पता नहीं कहाँ से भीड़ आती है। तो हमारे लगता है कि आज हमारे नैनीताल में सारे जो हमारे टूरिस्ट हमारे नैनीताल में घूमने के लिए आ गए, सारी छुट्टियाँ जो हमारे नैनीताल में मनाने के लिए आ गए, तो उस टाइम बहुत अच्छा भी लगता है कि हाँ टूरिस्ट आते हैं तो हमें खुश होता है कि सभी चलते हैं यहाँ पर। और ये देखिए हमारे भुवन भाई जा रहे हैं, देखिए किस तरीके से हमसे मिलके जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है माल लोड, और यहाँ से भी अपना नज़ारे देखना चाहें तो देख सकते हैं। और ये वाली रोड जो आप लोगों को पता है बड़े बाज़ार की है, और यहाँ से ही पूरा मार्केट का रास्ता जाता है, मतलब यहाँ से ये चौराया अपना नैना देवी मंदिर भी 200-250 मीटर पड़ेगा, बड़ा बाज़ार भी 200-250 मीटर पड़ेगा, और माल लोड की तो एंट्री यहाँ से होती है। पर यहाँ पर इस तरीके से आप लोग गाड़ी नो पार्किंग में नहीं खड़ी कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कैमरे लगे हैं, चालान हो जाएगा, देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए फ्रेंड आज के ब्लॉग को करते हैं एंड। तो सुबह सुबह मैंने जो है ब्लॉग बनाया है, तो पर ये ब्लॉग जो मैं अपना 5-6 बजे डालूंगा, क्योंकि मैं जा रहा हूँ भीमताल 7 ताल अभी अपने टूरिस्ट को लेकर। तो हमारे टूरिस्ट जो हैं गुजरात से आएँ, तो आज उन्हीं के साथ भी मैं ब्लॉग बनाऊँगा, और ब्लॉग कहाँ का बनाऊँगा तो वो ब्लॉग आप नेक्स्ट ब्लॉग में मेरे देख लेना कि किस तरह का ब्लॉग बनेगा। तो यही मेरा आपसे कहना है कि नैनीताल में अगर घूमने हैं तो ये सबसे बढ़िया टाइम है अच्छा घूमने के लिए। इस टाइम आप लोग बहुत ही चीप प्राइस में पूरा बढ़िया नैनीताल घूम सकते हैं। इस टाइम आपको होटल भी बहुत कम प्राइस में मिल जाएंगे, और टैक्सी भी कम प्राइस में मिल जाएगी, और मतलब इतनी भीड़ भाड़ भी नहीं मिलेगी, अपने आराम से घूम सकते हो आप लोग बेफिक्र होकर। अगर जैसे मैंने आपको बताया कितना खर्चा आ जाएगा इस टाइम आपका, क्योंकि नॉर्मल रूम मिल जाएगा आपको, आपको नॉर्मल प्राइस में टैक्सी मिल जाएगी। तो चलिए आज के ब्लॉग को हैं मारते हैं दोस्तों एंड।